आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके के लोगों ने स्थानीय विधायिका वंदना कुमार पर लगाए आरोप। स्थानीय लोगों का कहना है कि विधायिका वंदना कुमारी अवैध रूप से बनवा रही है शौचालय, जबकि इलाके में पहले से ही है शौचालय। लोगों का कहना है कि शौचालय बनने से इलाका रहेगा नशेड़ियों का जमावड़ा। राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में RWA के लोगों ने विधायिका वंदना कुमारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इलाके में पहले से ही एक शौचालय बना हुआ है, लेकिन विधायिका वंदना कुमारी द्वारा खाली पड़ी हुई जमीन पर शौचालय बनवाया जा रहा है, जिससे इलाके के RW द्वारा विरोध किया जा रहा है। RWA के पदाधिकारियों का कहना है कि ये जमीन रेलवे की है, जिस पर विधायिका वंदना कुमारी द्वारा शौचालय बनवाया जा रहा है और विधायिका वंदना कुमारी द्वारा उसका उद्घाटन भी किया जा चुका है। शौचालय बनने से इलाके में अराजकता फैलेगी। इस बाबत कई बार RWA द्वारा जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखे गए, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। न्यूज 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। जी सर, क्या नाम है आपका? विकास वोद सर। विकास जी, क्या है पूरा यहाँ का मामला? मामला ये है कि पहले भी अभी है, जैसे हमारे प्रधान जी ने बाकी हमारे साथियों ने बताया कि पिछले 1.5-2 साल से हमारे जो है RWA लगी हुई थी कि यहाँ पे जो अनऑथराइज हो रहा था रेलवे लैंड है ये, इस पे जो कैरेट वगैरह का जो अनऑथराइज एनक्रोचमेंट था उसको हटवाने के लिए। अभी 10 दिन पहले हमारी ये हटी है और इतने में ही ये काम शुरू हो गया है। ये कौन लोग करा रहे हैं? ये लोग जो है, जो हमारी यह विधायिका है वंदना कुमारी जी, वो उनके सौजन्य से हो रहा है, जिसमें ना हमें कॉन्फिडेंस में लिया गया, हमें मतलब RWA को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, जबकि RWA ने जब हम इसको खाली करा रहे थे उनसे भी मदद की गुहार लगाई थी कि भैया ये खाली करवाने में हमारी मदद करो, जिसकी चिट्ठी पत्री सब हमारे पास है। अच्छा। और हमने ब्लॉक के 100 से भी ज्यादा लोगों के साइन करा के विधायिका को दिए थे कि भैया ये यहाँ पे ऐसा काम मत करो, उसके बाद भी वो उद्घाटन करके चले गए हैं यहाँ पे। ये जमीन किस डिपार्टमेंट? ये रेलवे डिपार्टमेंट की जमीन है। आप लोग अब क्या चाह रहे हैं कि यहाँ? हम तो ये चाह रहे, जैसे बोरिंग हमने आपको बताया पूरी दिल्ली में इलीगल है, शायद से पता चला है कि शायद दिल्ली में 2 ही बोरिंग लीगल है, कोई NDMC के एरिया में, बाकी सारे इलीगल है। तो ये सारे आम जो है ये सब हो रहा है, एक तो ये बंद हो, ये आम आदमी पार्टी के गुंडागर्दी भी है इसका मतलब। अब तो यही कहना पड़ेगा हमें, अदरवाइज तो अभी जब तक ये नहीं हुआ था तो ठीक था, अदरवाइज ये देख के तो यही लगता है कि फिर ये गुंडागर्दी है। अगर हमारी हाथ जोड़ के विनती को भी वो सुन नहीं रहे हैं तो फिर उसको यही कहेंगे। और आप लोग 100 आदमी साइन करने के बाद भी नहीं बात बनी थी, इसके मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही है कि हम फिर दोबारा आज मिलने का कोशिश करेंगे। क्या नाम है? प्रकाश। प्रकाश जी, क्या समस्या है? समस्या यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम नहीं बनना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमें दिक्कत होती है, सबके पास यहाँ लैट्रिन बाथरूम है, किसी की जरूरत नहीं है। आप कहाँ रहते हैं? हम झुग्गी में रहते हैं। अच्छा, क्या यहाँ इस जगह बनवाया जा रहा था, ये विधायक बनवा रही थी, तो आप लोग क्या विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लग रहा है आप लोग के पास सुविधा ऑलरेडी है? है, ऑलरेडी है हमारे पास। आखिर आम आदमी पार्टी के इस तरह से क्यों कर रहा है कि इस जमीन पर क्या बनना चाहिए? इस जमीन पर कोई पार्क हो या कोई भी ऐसी चीज बनवा दे, लेकिन लैटरिन ना बनवाए, पार्किंग हो जाए, पार्किंग हो जाए, और लैटरिन का हम विरोध करते हैं। विरोध कर रहे हैं जी। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल बाबा। कमल बाबा, क्या है मामला पूरा बताएं। मामला ये है, हम लोगों ने इसके लिए मना किया था कि यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम नहीं बनना, उसके बावजूद वंदना जी ने यहाँ पे उसका उद्घाटन करवाया और ये पाइपलाइन पानी की पंप लगवाया, जबकि इनलीगल है। ये दिल्ली में कहीं भी पंप लगाना इनलीगल है। और पार्किंग हमें यहाँ पे कही है कि रेजिडेंस वाले यहाँ पार्किंग बनाए और हमें पूरी जगह दे दें, यहाँ के मार्ग यहाँ तक की जगह चाहिए हमें, आखिरी तक की, कि हम अपनी कारें यहाँ पे खड़ी कर सके और ये रास्ते में जो हम कारें खड़ी करते हैं वो ना हो। क्या नाम है सर? विजय कुमार अरोड़ा। विजय जी, क्या है पूरा? मैं इस कॉलोनी में ही रहता हूँ, मेरा फ्लैट नंबर है 3C। तो लिहाजा मतलब यहाँ पे जो है पार्किंग की दिक्कत ज्यादा है, यहाँ पे देखते हैं रोडों पे ऊपर जैसे ब्लॉक हो जाते हैं रोड सारे, तो ये जो स्पेस है इस स्पेस पे मतलब बिलाशक आप हम लोग को बोलेंगे, अगर मतलब गवर्नमेंट भी बोलेगी तो हम अपने खर्चे से यहाँ पे मतलब अच्छी तरह फ्लैट करके पार्किंग बना सकते हैं। हमारी पार्किंग की बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है पार्किंग की, अंदर ब्लॉक में भी दिक्कत है, बाहर रोड भी जाम हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे पार्किंग सबसे बढ़िया होनी चाहिए। अच्छा सर, ये जमीन किस कौन से जमीन तो मतलब PW की होगी? नहीं, रेलवे की।
जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम जवाहर मदान है भाई साहब। क्या है पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि यहाँ पर सारी इनक्लोजमेंट थी, यहाँ पर सारी की सारी इनलीगल सारा बिजनेस हो रहा था यहाँ पर। मैंने जितनी भी अथॉरिटीज हैं, हर अथॉरिटी को लेटर लिख के, हर नेता को लेटर लिख के, हर जगह पे निकला के, ये बड़ी मुश्किल से 1.5 साल के बाद आके ये जगह खाली हुई है। खाली होते ही यहाँ पर हमारी विधायिका जो है श्रीमती वंदना कुमारी जी, वो पर यहाँ पर आई, खाली जगह देखते ही नारियल फोड़ के यहाँ पर शौचालय का उद्घाटन कर दिया, जो कि बिल्कुल इनलीगल है, बिल्कुल इनलीगल है। और ये आप देख रहे हैं बोरिंग बना हुआ है, बोरिंग बिल्कुल ही कहीं पे भी अलाउड नहीं है। उसने ये बोरिंग खुदवा के और ये शौचालय बनवा के लिए सबसे बड़ा पाप कर रही है। ना हमारे से आरडब्ल्यू से पूछा गया, ना कभी इन झुकी वाले से पूछा गया बेचारे, इनको भी कभी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 400 मीटर दूर बना हुआ है, ऑलरेडी 400 मीटर बना हुआ है, कोई जरूरत नहीं किसी को भी, ना जरूरत है यहाँ पर, फिर भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर सारे अराजकता फैलेगी सर, यहाँ पर सारे समैके यहाँ पर आएंगे, सब उल्टे सीधे काम सारे यहीं पर होते हैं। और आप देख भी रहोगे पूरी दिल्ली के अंदर यही काम होते हैं लगभग, क्योंकि जिसको जरूरत है वो तो काम होता ही नहीं है, उसके अलावा सारे गंदे काम यहाँ पर होते हैं। आपने कंप्लेंट किया? हर जगह कंप्लेंट करके, वंदना जी को भी खुद लेटर लिख के दे के आए हैं, अपनी कॉलोनी के 100 आदमी को साइन करा के उनको दे के आए हैं। अच्छा, अभी आपने पुलिस प्रशासन का कॉल किया, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये कहा कि ये बिल्कुल इनलीगल है। जब हमने यहाँ पर आए पुलिस वाले, तो उन्होंने यहाँ पर देखा काम हो रहा है, उन्होंने कहा कागज दिखाओ, वो कोई कागज नहीं दिखा पाए, 15 मिनट के बाद सारा सामान उठा उखाड़ के ले गए यहाँ। अब आप लोग क्या चाहते? यही है कि यहाँ पर ना बने बिल्कुल, जो भी हो अच्छी चीज बने यहाँ पर, समाज के काम आए, या शौचालय बिल्कुल नहीं बने, क्योंकि शौचालय ऑलरेडी है, और फिर हमारी कॉलोनी है सामने मंदिर है, मंदिर आगे शौचालय सामने, यार बहुत नॉनसेंस है यार बिल्कुल। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।